बोली रे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहाली हेरे वो आगी बने के घर आली हेरे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहाली वो आगी बने के घर आली हो प्रधान जी वो 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सुनेगा पहली बात में क्या लिखा क्या बताया हा? चोगर दे लखाते होंगे भूख के रह भूख के सताए आदरणीय राजेंद्र प्रधान जो मुझे बेटी की तरह मान सम्मान देते हैं 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आदरणीय रोहतास यादव जी फिर से हमारी पार्टी के लिए 500 रुपए भेजते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आदरणीय सुरजन यादव जी उनकी 2500 रुपए का पुरस्कार आया है। राम कुमार नमाणा तब आज कि हम पगड़ी टेकनी पड़ती हो तड़ क्या इतना तन बुलाओ इतना और कोई साथी पगड़ी बांधने वाला हो तो उससे अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाए 50 बार नाम ले लेता हूँ राम कुमार एक मिनट में खूजे है। हमारे ओमवीर प्रधान जी और भी आओ साथी जो भी जानता हो पगड़ी बांधने वाला उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारे आदरणीय
श्री पाल चौहान जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। सुबेदार भरत सिंह जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया आशीर्वाद आया है। अनूप पहलवान जी कलोई से 100 रुपए सम्मान करते हैं। हमारी बहन आशा जी कलोई से 1100 रुपए से वो भी हमारी टीम के लिए आशीर्वाद सम्मान देती हैं, भार धनु करते हैं। राम अवतार जी फतेहपुर गांव से उनकी तरफ से भी 1100 रुपए का पुरस्कार आया, भार धनु करते हैं। हमारे भाई रोहतास जी उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार आया है। सतवीर जी बाड़सा उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए आया, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों क्या बता दिया ये? चिड़िया के दो बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि हमारी माँ मर चुकी है, उन्हें तो ये पता है कि रोज की तरह हमारी माँ हमारे लिए खाना लेने के लिए गई है, आके बड़े प्रेम से हमें खाना खिलाएगी। मेहरबानो, जैसे ही वो दूसरी चिड़िया उस घोंसले में प्रवेश करती है, पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को आते ही मार डालती है। आपने कहीं इतिहासों में पढ़ा होगा कि मौसी कभी किसी की सगी नहीं होती, और बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि शोक तो चून की भी बुरी होया करती है। दूसरी बात में क्या लिखा है? मौसी ने जमारे बच्चे हो हो झूठी राड करके दोनों नीचे गेर दिए, पेट की दो फाड़ करके चिड़े की ना पार बसाई, रोया नीचे नाड़ करके चिड़े की ना पार बसाई, रोया नीचे नाड़ करके धरे के सिलारे दा रद की दड़ में बैठा चिड़ारे चीड़ी की जड़ में, धर के सिलारे दा रद की दड़ में बैठा चिड़ारे चीड़ी की जड़ में। पहुंचे गए माँ के डेरे पे, हारे रे चिड़िया एक चीड़े ने ब्याली, वो आगी बन के घर आली। हो हो आदनीय राम अवतार जी फतेहपुर से पहले भी 1100 रुपए हमारी पार्टी को दिए, फिर से 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। और गौशाला कमेटी के सदस्य नाम नहीं बता रहे, 100 रुपए दे रहे, उंगली हिला रहे, नाम मत बोलियो, बहुत बहुत धन्यवाद करते, धन्यवाद। और जो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, हमारे अंकल हैं आदनीय रतन यादव जी नवादा से, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है स्टेज पर आ जाओ अंकल जी। मेहरबान। और रानी
जाति सारी घटना को देख रही है, काफी बीमार है। अपने मन में एक बात सोचने लगी कि मेरे भी छोटे छोटे दो बच्चे हैं रूप और बसंत, कल को ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और राजा दूसरी शादी कर ले, जैसे उस चिड़िया ने पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को आते ही मार डाला। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ में भी ऐसा ही हो। अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लेती है रानी, आंखों में आंसू ले आती है, कैसे अपने बच्चों को निहारती है, कैसे पुचकारती है। रानी थी बीमार पड़ी हो, सारी करतूत हारे वही चिड़िया एक थी ने ब्याली वो आगी बने के घर आली। वो नहीं हूं, अपनी बंदी को अपने पास राजा को बुला लिया रानी ने और यह कह दिया कि महाराज उस चिड़े ने उस चिड़िया के साथ में ऐसा ऐसा किया है, अगर कल को मैं मर जाऊं महाराज तो आप दूसरी शादी नहीं करना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं रूप और बसंत, समय बड़ी बलवान होती है। इतना कहते ही रानी स्वर्ग सिधार जाती है। क्या तोड़ किया रागनी का, क्या लिखा। हाँ। कहानी कह के दिल का मिटाया घाव, रानी ने दम, रानी ने दम, रानी ने दम तोड़ दिया सुरग में बड़े गई आप। एक बेटा कितना कम ले जा फिर टोवते गाड़ा में, एक बेटा कितना कम ले जा फिर टोवते गाड़ा में। अरे गऊ माता रोवे, अरे गऊ माता रोवे ठाडी कबेले में, अरे गऊ माता रोवे ठाडी कबेले में। Thank you.
ओ आगे आगे गऊ चले थी पाछे बछड़ा जा रहा था भूखे की वकियात सुकड़री तुनका भी ना खा रहा था भूखे की वकियात सुकड़री तुनका भी ना खाया था। अरे हिम्मत करके घेर में बढ़ गया ना नजर जित आ रहा था उसने देख के घेर का मालिक हाथ पावड़ा ठा रहा था उसने देख के घेर का मालिक हाथ पावड़ा ठा रहा था। अरे मार मार के खाल तार दी मार मार के खाल तार फिर जान लको ते गाड़ा में एक मोटा कितनार कमल जा फिर तो ते गाड़ा में एक बोटा कितनार कमल जा फिर तो ते गाड़ा में हमारे गौ भक्तों ने हमारे कप्तान श्रीपाल जी करौला, मदन सरपंच साहब जी करौला, ताराचंद प्रधान जी और हमारे राजेंद्र जी और जगत जी जिन भक्तों ने पुरस्कार और हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी जिनके माध्यम से इस गौ माता के भजन पर इतना आशीर्वाद सम्मान दिया है सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं। सजनों गौ माता जब अपने बछड़े के हालात देखती है आंखों में आंसू भर लाई न्यू बोली तू उस घेर में क्यों गया था। न्यू बोला रही माँ कई रोज हो गए थे भूख से परेशान था सोचा जमींदार का घेर का गेट खुला है कुछ झूठन पड़ी है खोर में झूठन पड़ी है उसको खा करके पेट भरना चाहा। सजनों कैसे गऊ की छाती फटी खेल बता दिया। देख हालत बछड़े की फिर गौ की छाती फाटे थी आख्या के माँ आंसू भर अप ने बछड़े न चाटे थी आख्या के माँ आंसू भर अप ने बछड़े न चाटे थी। अरे इंसानों ने जख्म दिए वा पशु दर्द न बाटे थी प्रेम का मरम लिया के खापे उसके दुख न बाटे थी प्रेम का मरम लिया के खापे उसके दुख न बाटे थी। अरे केन्यू ही भेजे धरती पे केन्यू ही भेजे धरती फिर जान लको ते गाड़ा में एक बोटा कितनार कमल जा फिर तो ते गाड़ा में एक बोटा कितनार कमल जा फिर तो ते गाड़ा में हमारे बड़े आदरणीय बड़े भाई विजय डाबोदा से ओबीसी गौ माता के भजन पर 100 रुपये से आशीर्वाद सम्मान देते हैं। उन्हीं के साथ में आए मास्टर जी उनकी तरफ से भी 100 रुपये का पुरस्कार आशीर्वाद हमारी टीम के लिए आया बार बार धन्यवाद करते हैं। और मेरी प्रार्थना है हमारे आदरणीय रतन जी से बड़े भाई रतन जी गाँव नवादा से जो हमारे मध्य पहुँचे हैं मेरी प्रार्थना है वो आए और मंच पर अपना स्थान रखे। धन्यवाद। आगे कवि ने क्या बता दिया। हिम्मत करके घेर में बढ़ गया न्यार नजर जित आ रहा था रूखा सूखा खाके नैमा
अपना तन नाचाया था, भूखा सूखा खा के नैमो नाचाया था, के बेरा था ईसा कसाई घेर में जागा फेट मने, भाग दौड़ के जान बचाली न ते पल में देता मेट मने, भाग दौड़ के जान बचाली न ते पल में देता मेट मने, ओ इसे कौन से कर्म करे माँ, इसे कौन से कर्म करे जिन हांड ढोवते गाड़ा में, एक बोटा के दनार कमले जा फिर ढोवते गाड़ा में, एक बोटा के दनार कमले जा फिर ढोवते गाड़ा में, बोली केवल एक दूसरा था। भगवान श्री कृष्ण हमको चराया करते थे, ऋषि मुनि योगी सन्यासी गुण मारा गया करते थे, और घर बारी बेटे ते बट बछड़े को चाया करते थे, और जब कोई किसी का विश्वास नहीं किया करता था तो गौ माँ की सौ भी खाया करते थे। लेकिन आज चाहे अपनी माँ हो, चाहे गौ माँ हो, चाहे कोई सी माँ हो, चाहे भगवान हो, चाहे पिता हो, झूठी बात बात पर कसम उठाते हैं। आइए अंतिम कली में क्या उन्होंने कर दिया, क्या बता दिया। अरे द्वापर युग में खुद कृष्ण जी हमें चराया करते, ऋषि मुनि योगी सन्यासी गुण मरगाया करते, ऋषि मुनि योगी सन्यासी गुण मरगाया करते, अरे घर बारी बेटे ते बड़ बछ रे न चाया करते, इतनी इज्जत थी गौ माँ की सौ भी खाया करते, इतनी इज्जत थी गौ माँ की सौ भी खाया करते, अरे हरी किशन कह पेट की खातिर, हरी किशन कह पेट की खातिर, ओ दुखी फिरे हम गाड़ा में, एक मोटा के दनार कमले जा फिरे ढोवते गाड़ा में, एक मोटा के दनार कमले जा फिरे ढोवते गाड़ा में, ओ गौ माता और उसका बाछड़ा, गौ माता और उसका बाछड़ा फिर रोवते गाड़ा में, एक बोटा के दनार कमले जा फिर रोवते गाड़ा में, एक बोटा के दनार कमले जा फिर रोवते गाड़ा में।